हेलो, वेलकम टू द चैनल आई क्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसे कि आपको पता है, आज है 14th of January 2023। तो आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर हैज अप्रूव्ड 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो आपने बताना कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिसेंटली 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो है रिसेंटली 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया गया। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर जो है 30% रिजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली जो है वुमेन्स के लिए जो है रिजर्व की जाएगी। अगर हम इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 15% रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। ये रिसेंटली अप्रूव की गई थी लेकिन अभी जो है इंप्लीमेंट नहीं की गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हम देखेंगे तो 15% रिजर्वेशन होगी वुमेन्स के लिए इन गवर्नमेंट जॉब्स के। अगर हम उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम इसके अलावा देखेंगे, रिसेंटली आपको पता होगा रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम जो कि इस उत्तराखंड के अंदर था, उसको भी जो है एबॉलिश किया गया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये सारी डिटेल्स है, मैंने ये आपको बता दिए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 75 पैसेंजर बसेज टू विच आर द फॉलोइंग कंट्री एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, श्रीलंका, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। तो श्रीलंका को हमने रिसेंटली जो है 75 पैसेंजर बसें जो है वो एज ए गिफ्ट दी है, किस इनिशिएटिव के द्वारा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के द्वारा। तो ये एक अच्छा हमने, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जो है कितना अभी जो है इम्बैलेंस, इकोनॉमिकल इम्बैलेंस चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमने इस पॉलिसी के मुताबिक 75 पैसेंजर बसें जो है वो एज ए गिफ्ट दी है श्रीलंका को। तो रिसेंटली जोशीमठ हैज बीन डिक्लेयर्ड डिजास्टर प्रोन एरिया ड्यू टू इंक्रीजिंग लैंड सब्सिडेंस एंड क्रैक्स डिटेक्टेड फ्रॉम वेरियस बिल्डिंग्स इट इज इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो है जोशीमठ के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे सब्सिडेंस जो है हमने देखे, मतलब कि वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है या जमीन है उसको हमने देखा है कि उसके बीच में जो है क्रैक्स आए हैं। तो आपने बताना है कि ये जो जोशीमठ है ये कौन सी स्टेट के अंदर है। तो इसका सही आंसर जो है आपको पता है कि क्योंकि कल की भी जो है मैंने बताया था, तो उत्तराखंड याद रखें, तो जोशीमठ जो है उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम भी जो हमने यहाँ पे देखा है कि उसको जो है एबॉलिश किया गया था, और अब जो है नई जो स्कीम लाई गई थी उसके अंदर 30% रिजर्वेशन जो है वुमेन्स के लिए जो है अप्रूव की गई है। याद रखें जोशीमठ अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। रिसेंटली द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन विच आर द फॉलोइंग सिटी। तो आपने बताना है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। तो याद रखें अहमदाबाद के अंदर जो है रिसेंटली काइट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ कोलाबरेटेड विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड ऑटोनॉमस बोट स्वाम्स एज ए पार्ट ऑफ इच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो है जो हमारी इंडियन नेवी है इसने कोलाबरेट किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उन्होंने ये बताया कि वो जो है डेवलप करने जा रहे हैं एक आर्म्ड ऑटो बोट, मतलब कि जो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो चलेगा। तो आपने बताना कि कौन से इनिशिएटिव के मुताबिक जो है इस बोट को जो है बनाया जाएगा। तो याद रखें स्प्रिंट इनिशिएटिव जो है चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है एक ऑटोनॉमस बोट स्वान जो है वो बनाई जाएगी स्प्रिंट इनिशिएटिव के द्वारा, जिसमें इंडियन नेवी और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कोलाबरेट करेंगे। अब अगर हम स्प्रिंट की बात करेंगे तो स्प्रिंट का मतलब है सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन R&D थ्रो इनिशिएटिव फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो नेक्स्ट याद रखें स्प्रिंट जो है वो कौन सा इनिशिएटिव के मुताबिक चलाया जा रहा है, सपोर्टिंग पोल वॉलेटिंग इन रोड एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022। तो आपने बताना कि कौन से डायरेक्टर को जो है बेस्ट डायरेक्टर जो है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 के अंदर जो डिक्लेयर किया गया एज ए बेस्ट डायरेक्टर। तो आपको पता है कि सीसी राजामौली को जो है बेस्ट डायरेक्टर, जिन्होंने RRR मूवी जो है बनाई है, तो इस मूवी के लिए जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है वह दिया गया है फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 के अंदर। इसके अलावा अगर आपको पता होगा नट्टू जो सॉन्ग है RRR मूवी का, इसको जो है ग्लोबल अवार्ड जो है वो दिया गया है इस नट्टू सॉन्ग के लिए, वो भी जो है याद रखें। तो दोनों चीजें याद रखें। तो रिसेंटली
विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिलीज द ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो आपने बताने की कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रूल नए रूल जो है वो ड्राफ्ट किए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। याद रखें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है नए रूल जो है ड्राफ्ट किए गए फॉर ऑनलाइन गेमिंग के लिए। परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड एनुअली इन आंध्र प्रदेश। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ईच अदर फॉलोइंग रिवर। तो आपने बताया कि परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 जो है वो एनुअली जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने बताना है कि ये कौन से दरिया के बिल्कुल किनारे पर जो है लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। याद रखें लोहित रिवर के बिल्कुल साथ में जो है परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोहित की बात करेंगे तो ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी है। हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट्स वेर अमॉन्ग द टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट लिस्ट बाय सिरिकम एविएशन एनालिटिक्स। तो आपने बताना है कि कौन से इंडियन एयरपोर्ट को जो टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स के अंदर जो वो अनलिस्ट किया गया है बाय सिरिकम एविएशन एनालिटिक्स के द्वारा। तो दो एयरपोर्ट जो है इंडिया के जिनको ग्लोबल एयरपोर्ट्स के अंदर जो वो टॉप टेन परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स के अंदर जो शुमार किया गया है। एक तो याद रखिए कम्पी गोडा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कम्पी गोडा जो कि कहाँ पे है बेंगलुरु के अंदर, और दूसरा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। इन दो एयरपोर्ट्स को जो है ग्लोबल परफॉर्मिंग एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है 2022 का इंडिया की तरफ से। तो इसके अलावा तो आठ तो बाहर कंट्रीज के इंडिया के दो एयरपोर्ट्स, एक तो कम्पी गोडा और दूसरा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब डॉक्टर तहिमटन इडवाहिया नोन एज द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी इन इंडिया हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। तो आपको पता है कि डॉक्टर तहिमटन जिनका पूरा नाम जो है तहिमटन ई उडवाडिया जो है इनका जो है रिसेंटली डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 88। तो इनको जो है फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनको जो है 2017 के अंदर जो है वो पद्म भूषण से भी जो है वो संबोधित किया गया था। याद रखें तहिमटन ई उदवादिया जो है जिनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी कहा जाता है, तो इनका जो है रिसेंटली निधन हो गया है। तो हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन। तो इसका याद रखें जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़। अब कौन से चीफ जस्टिस हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको डिक्लेयर किया गया। तो याद रखें चंद्रचूड़ जी जो है जो कि हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको जो है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के अवार्ड से वो जो है संबोधित किया गया है बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो आपको पता है कि जो चंद्रचूड़ है तो इन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही जो है अपनी पढ़ाई भी जो है वो कंप्लीट की गई थी। तो अब जो है रिसेंटली इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से भी जो है संबोधित किया गया है बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर जो है खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को जो है लाइक किया करें, कॉमेंट जो है ज़रूर किया करें, और सबसे बड़ी बात जो है सब्सक्राइब किया करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।